10% से भी कम रेट पे गाड़ी छोड़ रहे हो। मेरे ख्याल से करीब कोई 52-53 के आसपास की नई गाड़ी है और ये गाड़ी हम दिया जा रहा है सिर्फ 6 लाख और भाई साहब 80% ऑफ कर दिया जितने ही कंपनी में 80% ऑफ करके सिर्फ 20% के रेट पे। अगर किलोमीटर का अल्ट पल्ट मिला गाड़ी फ्री फ्री दी गाड़ी जो इंजन जो इसके अंदर मीटर होगा वो जेन्युइन मीटर होगा कोई मीटर टेम्परिंग नहीं। लास्ट टाइम मैंने बताया था वीडियो में इस बार बताया था जो भी मेरी गाड़ी का मीटर गलत साबित कर दे मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। 1 लाख रुपए का जीतने का मौका मिल गया जीत सकते हो जीत लो ना। 70 लाख ना लगाओ नई जैसी गाड़ी ऑन रिकॉर्ड चली प्रूव करे तो 1 लाख जीतने का मौका तो है ही है सिर्फ और सिर्फ 9 लाख और सो व्हाट्स अप गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स ऑफ आयुष लॉ व्लॉग्स। सब बढ़िया हो गए। आज की वीडियो के अंदर जैसे कि पहले देखते थे अंदर करते थे आज थोड़ा सा मन हुआ कि बाहर गाड़ियां लगाते हैं बाहर के नज़ारे लेते हैं। यही जस्सी भाजी के पीछे ऑफिस है और फिलहाल लग्जरी गाड़ियां आपको पता ही है मोहल्ले के अंदर लग्जरी गाड़ियों का मेला लगाने वाले हमारे जस्सी भाजी हैं। क्या क्या टाइप की गाड़ियां अवेलेबल जस्सी भाजी? टाइप जो आपने बता दिए ब्रांड वो सभी ब्रांड अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा जो चाहिए वो आप मुझे कॉल कर दो व्हाट्सएप कर दो मैं अरेंज भी कर दूंगा गाड़ियाँ। ठीक है अरेंज करने के लिए गाड़ी में हमें कम से कम 1 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है व्हाट्सएप कर दीजिए कॉल कर दीजिए अकॉर्डिंगली हम गाड़ी अरेंज कर देंगे आपको। मतलब BMW होगी ऑडी होगी एनी कार मर्सिडीज होगी चाहे वॉक्सवैगन होगी जैगुआर होगी सारी अवेलेबल करवा रहे हैं। एनी कार सभी गाड़ी अरेंज हो जाएगी कोई इशू नहीं है। खासियत फिर आज की वीडियो हर बार बताते हैं कुछ ना कुछ खासियत। खासियत में ऐसा होता है कि हम एक सिंगल गाड़ी कुछ डिफरेंट लेके आते हैं जैसे कम बजट के अंदर हम लास्ट टाइम जो गाड़ी लेके आए थे कन्वर्टेबल लेके आए थे स्पोर्ट्स का इस बार हम बीटल लेके आए हैं वॉक्सवैगन की तो वो भी आपको दिखाएंगे गाड़ी। ठीक है जी मतलब चंडीगढ़ नंबर की व्हाइट कलर की बहुत अच्छी गाड़ी है टू डोर गाड़ी है तो वो हम आपको दिखाएंगे लास्ट में। जैसी भाई आज कुछ अपनी लग्जरी गाड़ियों का पता है थोड़ा सा इंजन का होता है ना कि इंजन अगर वेल मेंटेन्ड मिल जाए या इंजन अच्छा मिल जाए तो सदाबहार गाड़ियाँ रहती भी हैं जी। इंजन में अगर दिक्कत आ जाए तो सदाबहार मिस्त्रियों भी रहती है। बिल्कुल है ना। अब अपनी गाड़ियों की कंडीशन का कुछ बताओ कि इंजन कुछ वारंटी दो भाइयों को ताकि गाड़ी हमारी तरफ से जेन्युइन है हमारी तरफ से इंजन की प्रॉपर। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि मेरी जो भी गाड़ी होगी वो नॉन एक्सीडेंटल होगी और मेरी गाड़ी का सभी का मीटर जेन्युइन होता है ओरिजिनल होता है। ठीक है लास्ट वीडियो में मैंने कुछ एक गाड़ियाँ डाली थी जो कि बिल्कुल लेस ड्रिवन गाड़ियाँ थी जो कस्टमर कहता है कि इतने कम चली गाड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है मैंने उस वीडियो के अंदर आपको वीडियो भी दिखाई थी और साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरा चैलेंज है अगर मेरी गाड़ी किसी भी एजेंसी के अंदर लेके जाते हो और वो उसका किलोमीटर में आपको ऊपर नीचे लगता है तो मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम में दूंगा और अगर नहीं निकलता वो 1 लाख रुपए मैं आपसे लूंगा। शर्त होगी दोनों पास से। दोनों तरफ से है। सो मेरी गाड़ियाँ जेन्युइन होती हैं आप किसी भी एजेंसी में चेक करा सकते हो कहीं भी चेक करा सकते हो कोई भी जहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन आप सेटिस्फेक्शन करवा सकते हो। मेरी फॉल्ट नहीं मीटर में कोई ऊपर नीचे नहीं निकलेगा। सेकेंड हैंड गाड़ी है सेकेंड हैंड के अंदर जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो हम आपको देंगे। ठीक है गाड़ी जेन्युइन देंगे और आपकी वीडियो में आज मैं मिडल के अंदर कहीं कोशिश करूंगा कि आपको ये बताऊंगा कि लोन कैसे लिया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और एंड में भी बताऊंगा कि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कैसे होंगे लोन के लिए नहीं तो लोगों को ये नहीं पता कि लोन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूंगा कि लास्ट में दूंगा कि गाड़ी का लोन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आइएगा चाहे मेरे पास चाहे कहीं भी बिल्कुल वो पूरे करवाओ। और सबसे बड़ी बात लग्जरी गाड़ी पर लोन मिल जाए तो वो भी बेस्ट चीज़ है तो वीडियो मिस मत करना तभी कह रहे हैं डील्स भी निकलने वाली हैं आपका ही फायदा होने वाला आज वीडियो के अंदर। करते हैं स्टार्ट अब बिना टाइम वेस्ट कर धमाका पाएं शुरू करो जी लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसी भाजी BMW लग्जरी गाड़ी के मेले के अंदर पहली गाड़ी आ गई है BMW व्हाइट कलर। एक्चुअली BMW जो गाड़ी है आपको पता है कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी है और इसके अंदर 3 सीरीज तो वैसे नहीं मिलती। अच्छा 3 लाए हो? हां ये 3 सीरीज का न्यू शेप का मॉडल है। अगर इस गाड़ी की डिटेल बताता हूं मैं आपको ये गाड़ी 2012 मॉडल है। ठीक है और हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है न्यू शेप में है और 89,000 किलोमीटर चली है ओरिजिनल चली है कंपनी में चेक करा सकते हो सभी टायर्स नए हैं अपोलो के डले हुए गाड़ी के और ये दोबारा से बता रहा हूँ न्यू शेप की गाड़ी है। ठीक है ठीक है बात इंटीरियर एक्सटीरियर हर एक चीज़ बिल्कुल ओके गाड़ी के अंदर किसी भी तरह का कोई काम नहीं वेल मेंटेन्ड गाड़ी जिसको कहते हैं ना अप्रोक्सीमेट कंपनी में ये उस टाइम गाड़ी अप्रोक्सीमेटली कंपनी में 35-38 के आसपास की और 2012 में। ठीक है जी तो अभी जो मैं गाड़ी आपको दे रहा हूँ वो आपको मैं दे दूंगा ये गाड़ी 10,25,000 रुपये 1025 की 10,25,000 रुपये के अंदर BMW 320D लेके जा सकते हो। किसी ने अगर एक मीटर का भी सिर्फ प्रूफ कर दे कि इतनी नहीं चली पाजी इतनी चली है 320D डीजल 2012 न्यू शेप
हरियाणा रजिस्ट्रेशन 89,000 चली हुई, डीजल इंजन फिर से बता रहा हूँ, कहते हैं इंजन ही बता रहे कौन सा है, और प्राइस इसका 1025 का है। अगर किलोमीटर का अल्ट पल्ट मिला, गाड़ी फ्री, फ्री दी गाड़ी, जो इंजन जो इसके अंदर मीटर होगा वो जेन्युइन मीटर होगा, कोई मीटर टेम्परिंग नहीं। लास्ट टाइम मैंने बताया था वीडियो में, इस बार बताया था, जो भी मेरी गाड़ी का मीटर गलत साबित कर दे मैं 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा। 1,00,000 रुपए का जीतने का मौका मिल गया, जीत सकते हो, जीत लो ना। ले आओ जी। हवा ने कलर जी, ये गाड़ी, ये वाला कलर मोस्ट डिमांडिंग कलर है गाड़ी का, ठीक है जी। ये हवाना कलर आप वीडियो में भी देख रहे हो, कलर बहुत अच्छा है गाड़ी का, बहुत फाइन कलर है। ये 2013 मॉडल है, सेम न्यू शेप 2013, 320D डीजल इंजन, वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कहीं से कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई लगी बजी नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी है। इंटीरियर एक्सटीरियर A1 गाड़ी का, और ये 81,000 किलोमीटर चली हुई है, और इसका जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको 11,00,000 रुपए की गाड़ी दे दूंगा, 2013 मॉडल गाड़ी। अब हमने बात कर ली मीटर अल्टा पल्टे की, अब बात करी जाए एक्सीडेंटली, किसी ने एक्सीडेंटल प्रूव करे तो। हाँ, एक्सीडेंटल है ही नहीं मेरी गाड़ी, अगर कर दिए तो। अरे सर, मेरी गाड़ी का ऐसे में तो आप जो मर्जी बहस कर लो मेरे साथ आगे, ठीक है। मेरी गाड़ी ना तो एक्सीडेंटल होती है, ना मीटर पीछे होता है, जेन्युइन गाड़ियां होती है, डायरेक्ट पार्टी से गाड़ी लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, नाम करवा के देते हैं, इंश्योरेंस होती है गाड़ी की, ट्रांसफर करवा के देते हैं, लोन करवा के देते हैं, सब कुछ होता है। आगे बंद करके विश्वास करके जो लेके जाए 10,00,000, 11,00,000, 11,00,000 रुपए गाड़ी दो, एग्जैक्ट 11 जी, 5,000 छोड़ दो हो। अरे कोई बात नहीं, कर लेंगे, डन रही जी। एक और ले, पूरी बीमरों का कलेक्शन लाए हुए हो, अभी तो बिक गई गाड़ियां, BMW ये थोड़ी सी बची हैं, बहुत सारी गाड़ियां थी वो सेल हो गई ऑलमोस्ट, ये भी जल्दी जल्दी निकलने वाली है, ठीक है जी। ये 2010 मॉडल है, ठीक है, और ये 5 सीरीज है, 525 है ये, इसमें 6 सिलेंडर इंजन है गाड़ी के अंदर। अच्छा, V6 ये नहीं, V6 नहीं है, एक इनलाइन 6 इंजन होता है, ठीक है जी। V6 जो आता है ऑलमोस्ट ऑडी के अंदर आता है, इसके अंदर जो होता है वो इनलाइन 6 इंजन आता है, 6 सिलेंडर आता है। ये चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, सेकंड ओनर गाड़ी है ये, 1,00,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, और दिसंबर 2010 की गाड़ी है ये। ये मैं आपको गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 9,90,000 की गाड़ी दे दूंगा, 9,90,000 रुपये की, 2010, 525। कंपनी की बात करें तो अभी राइट नाउ गाड़ी कंपनी में करीब करीब कोई 70 के आसपास की गाड़ी है, मतलब अब कहने की बात है आप उनको नवी 70,00,000 की गाड़ी लेने दोगे? नहीं देंगे, नई गाड़ी लेने की जरूरत नहीं, आपको नई गाड़ी वाली फीलिंग सारी इन गाड़ियों में दे देंगे। आप पहले इन गाड़ियों को लो, चलाओ, यूज करो, साल दो साल इस्तेमाल करो, उसके बाद नई लेके लेने की जरूरत होगी तो देख लेना। मतलब उनका सोच लिया 70,00,000 ना लगाओ, नई जैसी गाड़ी ऑन रिकॉर्ड चली, प्रूव करे तो 1,00,000 जीतने का मौका तो है ही है, सिर्फ और सिर्फ 9,00,000 और 9,90,000 की, 90,000 का तोहफा दिया आपने। 525 चार छल्ले ऑडी A4 ले आए हो, व्हाइट कलर है ये, 2012 मॉडल है, और इसका चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, और फुली इंश्योर्ड है, और ये स्पोर्ट्स लाइन मॉडल है, स्पोर्ट्स लाइन मतलब इसमें टॉप मॉडल आ जाता है, ठीक है। और ये गाड़ी 89,000 चली हुई है, ओके जी, वेल मेंटेन्ड है, टायर्स नए हैं, इंश्योरेंस फुल है, चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन है, और एस लाइन मॉडल है। ये न्यू शेप में है, 2012 में दो शेप आती थी, जैसे ये ओल्ड शेप खड़ी है और ये न्यू शेप है। ये जो न्यू शेप वाली गाड़ी है इसका मैं प्राइस आपसे लूंगा गाड़ी का 10,90,000, 10,90,000 की मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। क्या बात कर रहे हो जी, 12 मॉडल दे रही, 10,90,000 की गाड़ी, 10,90,000 की, 10,90,000, 12,50,000 रुपए डिमांड चल रही है, 2,50,00,000 रुपए तो ऐसे छोड़ रहे हो, इसमें नेगोशिएट मत करवाना ना, मैं करूंगा, कर देना थोड़ा सा। आजो, ये है 2012 मॉडल, ठीक है, और ये भी स्पोर्ट्स लाइन है, ठीक है, ये टाइप 1 में है, और वो व्हाइट गाड़ी टाइप 2 में है, और ये गाड़ी 88,000 किलोमीटर चली है, चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसमें इंश्योरेंस ड्यू है, इंश्योरेंस करवाने वाली होगी, जो पार्टी गाड़ी लेने आएगी उससे बैठ के डिस्कस कर लेंगे इंश्योरेंस कैसे होगी इसका, डन है जी, 50-50 कर लो, आज इस पे स्कीम निकालो, तोहफा निकालो, उनके लिए बनवा दो पहले, ये गाड़ी देंगे आपको। जैसी भाई इसका बताओ क्या चल रहा है मार्केट प्राइस, मैं आपको गाड़ी इन कंपनी, देखो ये गाड़ी अगर नहीं लेने जाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 37-38 के आसपास की है, ठीक है जी, उस टाइम ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 32 के आसपास थी, ठीक है। अभी मैं ये गाड़ी आपको दे दूंगा, कितने की चाहिए आपको गाड़ी बोलो, 10-200 सस्ती बनवाओ। अरे नहीं, आप बहुत ऊपर चले गए, 900 भी सस्ती, वो मैंने आपको गाड़ी कितने की बताई है, 10,90,000 की, ये मैं गाड़ी दे दूंगा आपको 8,90,000 रुपए की, 8,90,000 रुपए के अंदर, तो अपने गाड़ी 10 दिन के अंदर जो गाड़ी लेगा तो उसका प्राइस 8,90,000 है भाई साहब, 80% ऑफ कर दिया, जितने की कंपनी में 80% ऑफ करके सिर्फ 20% के रेट पे 8,00,000। और मैं जो भी गाड़ियों के प्राइस दे रहा हूँ ये सिर्फ 10 दिन के दे रहा हूँ, 10 दिन के बाद प्राइस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। कई तरह की गाड़ियों के अंदर कोई सर्विस इशू जैसे हम करवा देते हैं, कुछ चेंजेस करा देते हैं तो हमारे खर्चे आते हैं, ठीक है, तो चेंज हो जाएंगे, 10 दिन के लिए प्राइस आई आपका। मर्सिडीज लिया है, ऑडी भी, मर्सिडीज भी, बीमर भी, सब सोचा हुआ है। ये मर्सिडीज किसी ने कम बजट की गाड़ी लेनी है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत मेंटेन्ड है। ये है गाड़ी C220, 2009 मॉडल है गाड़ी, इसका पंजाब का रजिस्ट्रेशन है, और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, अलॉयज इसके अंदर बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, सनरूफ वाला मॉडल है,
इंटीरियर एक्सटीरियर A1 मतलब कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से इंटीरियर देखोगे नया जैसा, गाड़ी की ड्राइव करोगे इंजन नया जैसा। डन है जी। अगर इसकी प्राइस की बात करेंगे तो नेगोशिएट नहीं होगा, मैं 6,20,000 की गाड़ी दूंगा आपको। मैं और यही कंपनी में, कंपनी में उस टाइम ये गाड़ी कोई 32 के आसपास की, 30 और 32 के आसपास गाड़ी थी भाई साहब के। तो आप अभी तो बहुत महंगी है गाड़ी, 10% के रेट पे भी ना गाड़ी छोड़ रहा, 10% से भी कम रेट पे गाड़ी छोड़ रहे हो। मेरे ख्याल से करीब कोई 52-53 के आसपास की नई गाड़ी है। और ये गाड़ी हम दिया जा रहा है सिर्फ 6,20,000 रुपए। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। ये तो हमने 10% सस्ती रेट में दे दी गाड़ी। ये गाड़ियां सस्ती नहीं है बेसिकली, ये गाड़ियां मैं आपको कम प्राइस पे दे रहा हूं ताकि जो भी कम पैसे खर्च के भी लग्जरी गाड़ी चलाना चाहे या उसके पास ऑलरेडी लग्जरी गाड़ियां हैं और एक और स्पेयर रखना चाहता है तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि आप ले सकते हो हमारे से। ठीक है, ऐसी ऑफर्स हम निकालते रहते हैं टाइम। अब आगे ये करोड़ वाली गाड़ी मेरे हिसाब से, ये गाड़ी है ML 250, 2014 मॉडल है ये। ठीक है, सिंगल हैंड ड्रिवन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, वेल मेंटेन्ड है। गाड़ी के अंदर मतलब किसी तरह का कोई इंटीरियर एक्सटीरियर किसी तरह कोई काम नहीं, और सिंगल हैंड चली हुई है। ये गाड़ी मैं आपको दे दूंगा अभी 23 की। ठीक है, ठीक है, 23 लाख का मैंने प्राइस रखा हुआ है। मेरे साथ बैठ के प्राइस करो, गाड़ी देखो और बाकी जो अगर कुछ नेगोशिएट होगा तो मौके की। और ये कंपनी में अगर ये बात करें ऑन रोड पड़ती थी जो कितने की अप्रोक्सीमेट, 80-85 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी थी। फिर से 20% रेट पे दे रहे हो? हाँ, वो मैं कर लूंगा। हाँ, प्राइस इसका जो है हमने ऐसा रखा हुआ है कि अगर मार्केट में लेने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली ये गाड़ी आपको 25-26 के आसपास मिलती है। ये वाला मॉडल इस कंडीशन की गाड़ी आपको 25-26 लाख की मिलेगी। मैं आपको गाड़ी है 23 लाख की दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ बैठो मेरे साथ थोड़ी बहुत नेगोशिएट भी कर लो। डन रही नई गाड़ी, 21 लाख वाला मेरे पास ना आए, 21 लाख की ये गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, 21 लाख की गाड़ी लगेगी, ऐसा नहीं होगा। 80 लाख वाली गाड़ी आपको देने नहीं देंगे हम। कंपनी में जाओगे तो 80 लाख की आराम से। जोशी भाजी जी जी, सेम फील ऑन रिकॉर्ड चली? हाँ हाँ, सारी कंपनी सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है, कंपनी में सर्विस हुई गाड़ी। 20% दिए आपके पैसे बचा भाइयों के, सिर्फ और सिर्फ 23 लाख। आज हम सबका किसी का भी ऐसे टाइम ज्यादा ना लेते हुए शॉर्ट में वीडियोज बना रहे हैं, क्योंकि आज टाइम बड़ा कम है। शाम को वीडियो बना रहे हैं, काम और भी बहुत है। बिल्कुल ठीक है, एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनानी थी, हमने बना दी। डन, इसमें हमने वन शॉट में सभी वीडियोस कर दी है। और ध्यान रखिएगा जो मैंने प्राइस दिए हैं वो विदाउट नेगोशिएबल दिए हैं, इसमें नेगोशिएट नहीं होगा, कम से कम प्राइस दिए हैं। और ये ऑफर सिर्फ 10 दिन के लिए है, उसके बाद ऑफर क्लोज हो जाएगी। अब इस पे अगर किसी ने लोन करवाना तो वो अवेलेबल है हमारे लिए? लोन कोई भी गाड़ी हो सभी के ऊपर लोन हो जाएगा, डिपेंड करता है परचेजर की प्रोफाइल क्या है, बैंक टू बैंक उनकी आपस में बात होगी। ठीक है, किसी के ऊपर 5 लाख लोन हो जाएगा, किसी के ऊपर 6 लाख लोन हो जाएगा, किसी के ऊपर 8 लाख हो जाएगा, इसके ऊपर 15-18 लाख भी लोन हो सकता है। तो मतलब वही मोटा मोटा 4-5 लाख रुपए देनी है। हाँ, अगर आप दूसरी गाड़ी लेते 4-5 लाख देके आपको लोन हो जाएगा गाड़ी का। मतलब 3-4 लाख रुपए लग्जरी गाड़ी में लेके आप आओ और इन हैंड इसका कैश कम है, गाड़ी लेके जाओ, लोन हो जाएगा बाकी। जैसे भाई जी, मैंने ये गाड़ी वॉक्सवैगन की बीटल ना बहुत कम, मतलब वीडियो में नहीं डाली मेरे आज तक, बहुत कम, वैसी गाड़ी बहुत रेयर है ये। तो ये गाड़ी 2010 मॉडल है, चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन है, पेट्रोल में है, ऑटोमेटिक है, 34,000 चली है, इंश्योर्ड है गाड़ी, और इसका इंटीरियर सारा मैंने खुद तैयार करवाया है, जैसे सीट्स मैचिंग कम्बिनेशन। ठीक है, इसके साइड गत्ते के साथ मैचिंग। ठीक है, अभी तो मैं इसमें और शौक पूरे कर रहा हूँ, अभी मैं इसमें अलॉयज भी चेंज करवाऊँगा, थोड़े डिफरेंट अलॉय डलवाऊंगा। ठीक है, इंटीरियर में कुछ और भी चेंजेस कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो और बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, मतलब जो बंदा अंदर बैठ गया उसका बाहर निकलने का दिल ना करे, दिल ना करे। ठीक है, और जो बाहर खड़ा हो उसका अंदर जाने को दिल करे। बिल्कुल, ऐसी गाड़ी मतलब गाड़ी ऐसी है जो बाहर खड़ा उसका अंदर बैठने का मन करेगा और जो अंदर बैठा उसका बाहर निकलने का दिल करेगा। आज हम माया पे आ जाओ। एक्चुअली हमारा ना थोड़ा ये रहता है कि हम कुछ ऐसी चीज रखे अपने पास जो स्पेशली ये हो, किसी के पास बहुत कम मुश्किल से मिले चीज। ठीक है, ऐसा भी कोई नहीं कि हम प्राइस बहुत ज्यादा मांगते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि सबका शौक भी पूरा हो, क्योंकि हमारा तो काम है, हमने तो लेते रहना गाड़ी है ना। बिल्कुल, तो अभी वैसे मैं इसका शौक पूरा कर रहा हूँ, पहले मैं इसका शौक पूरा कर रहा था, इसको मैंने चला लिया। ठीक है, अब इसका शौक पूरा कर रहा हूँ। बताओ इसका। ये मार्केट में जब गाड़ी आई थी ये 2010 में, अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपए की गाड़ी थी उस टाइम। ठीक है, ये तो बड़ी रेयर गाड़ी है, बहुत कम है इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर आप प्राइस की बात करोगे तो इस गाड़ी का कोई 12 लाख मांग रहा है, कोई 13 मांग रहा है, कोई 14 मांग रहा है, 16 लाख वाले भी बैठे हैं जो इस गाड़ी की इस मॉडल के डिमांड करते हैं। डिपेंड करता है, कोई येलो कलर की है, कोई ब्लैक कलर की है, एक रेड कलर की खड़ी है, कि ये वाइट कलर की गाड़ी है। वाइट में ये बहुत अच्छी है गाड़ी, बहुत बढ़िया लगती है। और जो मेरा प्राइस है इस गाड़ी का वो है 13 लाख रुपये का। ठीक है, डिमांड प्राइस मैं नहीं समझ पा रहा था इसका मैं क्या करूं, और मेरे को इसका आइडिया प्राइस लगा जिस हिसाब से मैंने परचेज़ किया गाड़ी। ठीक है, कि मैं इसको 13 लाख रुपए के आसपास सेल कर दूंगा गाड़ी को। ठीक है, बाकी जो बायर होगा, जो शौक वाला होगा, वो आएगा, बैठेगा, गाड़ी देखेगा, मेरे साथ प्राइस कर लेगा,
मैं देख लूंगा क्या बनेगा प्राइस, है ना, इसका कुछ भी पता नहीं है क्या प्राइस हो जाएगा, ठीक है। सो मेरी लग रहा है कि ये गाड़ी 13 लाख रुपए की होनी चाहिए, और इसके अंदर मैं अभी शौक पूरे भी कर रहा हूँ, और यानी कि मैंने अभी अलॉय चेंज करवाने हैं, अच्छे से तैयार करूंगा। मोटी बात, 13 लाख रुपए के अंदर आके वॉक्सवैगन की आप बीटे लेके जा सकते हो। तो ठीक है, इसी थी आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। बाकी गाड़ियाँ दिखा दी, रेट बता दिए हैं, अब आती है बात, हर बार की तरह वीडियो में बोलते ही हैं, रुक नेगोशिएशन की बात करने से पहले मैंने एक वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि गाड़ी के ऊपर लोन कैसे होता है। ठीक है, किसी ने भी लोन लेना है गाड़ी के ऊपर, सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स में जो छोटी छोटी जरूरी चीज़ें लगती हैं वो लगता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। अगर वो जॉब करते हैं तो उसका सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में सैलरी स्लिप्स लगेंगी, ठीक है, और जिस अकाउंट में उसकी बैंक की उसकी सैलरी जा रही है उसकी कॉपी लगेगी साथ में, और उनके घर का एक प्रूफ लगेगा, यानी कि कोई जैसे घर है उनका अपना तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल साथ में लगेगा, ठीक है, ठीक है, और वेरिफिकेशन जो है वो उनके घर की भी होगी, ठीक है, और उनकी वर्किंग प्लेस की भी होगी, दोनों जगह की वेरिफिकेशन होगी। पूरे प्रोसेस में 3 से 4 दिन लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद, ठीक है। जो बिजनेस करता है उसकी 2 साल की आईडीआर चाहिए साथ में, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट सबके साथ लगती है, और उसके साथ पैन कार्ड अपना आईटीआर लगेगी आपकी 2 साल की, तो उसके हिसाब से आपको असेस किया जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। हमारे पास जितनी गाड़ियां हैं सभी के ऊपर लोन ले सकते हो, आपकी प्रोफाइल कहाँ पे मैच करती है बैंक को, उसके अकॉर्डिंग उसके लोन का प्राइस फिक्स हो जाएगा, तो कितना लोन मिल सकता है। बिल्कुल, ठीक है। एड्रेस, फोन नंबर, तो किसी ने पहुँचना इजिली पहुँच सके हमारे को, अगर सर्च करना है, अगर आप गूगल मैप पे भी देखोगे तो फ्रेंड्स कार लाइन आप सर्च कर लीजिएगा, फ्रेंड्स कार लाइन सेक्टर 82, तो भी आप हमारे पास पहुँच जाओगे, लोकेशन आपको मिल जाएगी। अदरवाइज जो अपना एड्रेस है वो है फ्रेंड्स कार लाइन, प्लॉट नंबर 922, सेक्टर 82, मोहाली। ये एयरपोर्ट रोड के ऊपर पड़ता है, एरो सिटी के साथ में पड़ता है, ठीक है, ठीक है। प्लॉट नंबर 922 है, फ़ोन नंबर मेरा है 9592555000, नाम मेरा जसविंदर सिंह है, बाकी आप जानते हो कि जस्सी के नाम से। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, फैला देना वीडियो को। विल मीट सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, टेक केयर।